कभी सीधे सपाट तो कभी सर्पीले मोड़ और घुमावदार सड़कें, जिनके किनारे कभी पर्वत मिलेंगे तो कभी पेड़ों की छांव, और अक्सर दोपहरी में मिलेगा घने पेड़ों के बीच से आपको झांकता हुआ सूरज, हवा की महक, सरसराती हुई आवाज, सब कुछ अद्भुत या यूं कहें लाजवाब। लेकिन आप बस आनंद उठाते रहिए और झूमते रहिए कुदरत की गोद में, जब तक आप पहुंच नहीं जाते हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार। ये घंटियों की घुनघुनाहट, ये भजन संगीत की आवाज, कहीं गीत के मीठे मीठे बोल, कहीं बजता हुआ शंख, तो कहीं भक्ति गीत की धुन। देवलोक की अगर झलक होगी तो ऐसी ही होगी, और मृत्यु लोक का देवलोक यही है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि आप कहाँ हैं। बिल्कुल आप हरिद्वार में हैं। सुबह हो, दिन हो, शाम हो या फिर रात हो, हर समय यहाँ पर हरि का नाम गाया जाता है। ईश्वर हर पल आपके साथ होता है क्योंकि आप हरिद्वार में हैं। वैसे हिंदुओं के सात पवित्र स्थान हैं और हरिद्वार उनमें से एक है, जहाँ गौमुख के पहाड़ों से निकलकर गंगा कभी पत्थरों से टकराती है तो कभी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर इछलाती पलखाती है, तो कभी इधर तो कभी उधर मचलती है। मगर हरिद्वार में आकर माँ गंगा को भी आराम मिलता है, और वो भी शांत होकर एक ही प्रवाह, एक ही धारा में बहती हुई भक्ति के रस में रम जाती है। और अब हम आ पहुँचे हैं हर की पैड़ी पर। समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया था, और मान्यता है कि उस अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर भी गिर गई थी, तभी से इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कभी यहाँ कपिल ऋषि का आश्रम हुआ करता था। राजा सगर की 7000 पूर्वजों को उन्होंने श्राप दिया था, जिनकी मुक्ति के लिए सतयुग के राजा भगीरथ ने तप किया और गंगा जी को इस धारा पर उतारा, जिसके बाद उनकी राख गंगा जी में प्रवाहित कर उनको मुक्ति दी गई। और तभी से हिंदू समाज में भी शवदाह और उनके विसर्जन की परंपरा हरिद्वार में की जाती है, ताकि मृतक को मुक्ति मिल सके। धार्मिक स्थलों के अलावा हरिद्वार में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन में भी जबरदस्त तरक्की हुई है। मैदानी जिला होने के बावजूद इसके एक छोर पर शिवालिक पहाड़ियां हैं तो दूसरे किनारे में गंगा नदी, और उनके बीचों बीच बसा ये खूबसूरत शहर हरिद्वार। वैसे हरिद्वार आने के रास्ते इतने मनमोहक हैं कि थकान का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर थोड़ी सी उबासी आ जाए तो गंगा का पानी है ना। हरिद्वार का हर कोना अपने आप में देखने लायक है और आस्था का प्रतीक है, मगर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हर कोई जाता है और जाना भी जाता है। हर की पैड़ी, हरिद्वार का सबसे अहम घाट, जहां ब्रह्म कुंड है, यही छलका था अमृत। हर पावन त्योहार में स्नान करने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा यही जुटती है, और सही मायने में हरिद्वार की यात्रा यहां आए बिना अधूरी है। चंडी देवी मंदिर, गंगा नदी के किनारे नील पर्वत पर बना चंडी देवी मंदिर। कहते हैं दैत्य सम्राट शुम्भ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यही मारा था। वैसे तो पैदल 3 किलोमीटर का रास्ता है, मगर रोपवे से भी यहां जाया जा सकता है। बिलवा पर्वत पर बसा मनसा देवी, 3 मुख और 8 भुजाओं वाली मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जहां आप उड़न खटोले से हरिद्वार की मनोहारी छवि के दर्शन करते हुए मनसा देवी पहुंच सकते हैं। माया देवी मंदिर भी खास है। इनके अलावा बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष महादेश्वर मंदिर, सुरेश्वरी देवी पीठ, सप्तऋषि आश्रम, गौरी शंकर मंदिर, सती कुल, वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर समेत दर्जनों मंदिर हैं।
दक्ष प्रजापति मंदिर में आए हैं तो इस वट वृक्ष का दर्शन जरूर कीजिए। मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है और आप यहाँ पर जो भी मनौती मांगते हैं वो पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मनौती मांगते हैं और पूर्ण होने पर दोबारा यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हरिद्वार में जिस तरह से महाकुंभ का अपनी अहमियत है उसी तरह से यहाँ के घाटों की भी। वैसे तो यहाँ कई घाट हैं, मगर पांच घाट कई खासियतों के साथ खास हैं। कुछ कृत्रिम घाट समेत कई किलोमीटर के लंबे घाट सरकार ने बनाए हैं, मगर पुरानी मान्यताओं को समेटते हुए कुछ घाटों में स्नान करने की अलग ही विधि विधान है, अलग ही लाभ है। ब्रह्मकुंड घाट, यहाँ स्नान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की एक साथ प्राप्ति होती है। नारायणी घाट, सर्व दोष से मुक्ति के लिए इसी घाट पर जाकर स्नान होता है, कर्म कांड होता है। कुशाव्रत घाट, पितरों को पिंड दान और उनकी मुक्ति के लिए इस घाट से बेहतर और कोई नहीं। राम घाट, इस घाट पर स्नान करने से तमाम तरह की दोष मुक्ति होती है। विष्णु घाट पर स्नान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दरिद्रता दूर होती है। वैसे तो हरिद्वार में 12 मास की रौनक रहती है, मगर कुंभ के दौरान की नजारों के कहने ही क्या। साथ ही कावड़ मेलों और शिवरात्रि के स्नान के दौरान तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और महाकुंभ के बाद तो सरकार और भी उत्साहित है। 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ में यहाँ का अद्भुत दृश्य होता है, मगर शाही स्नान के मौके पर तो यहाँ पांव रखने भर की भी जगह नहीं मिलती। 12 साल तक न दिखने वाले साधु सन्यासी भी इन स्नानों के दौरान सामने आते हैं। अखाड़ों में ही साधु संत अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और तमाम कलाओं विधाओं में दक्षता हासिल करते हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। इनके अलावा अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़ा भी निरंतर शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं। अखाड़ों के इतर कावड़ियों का हुजूम भी हर साल यहाँ उमड़ता है। हर पल ही धर्म कर्म पूजा पाठ निरंतर रूप से चलते रहते हैं, मगर कई खास मौके और त्योहार ऐसे होते हैं जब भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ता है और इनकी तादाद सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों करोड़ों में होती है। खास त्योहारों की लंबी फहरिस्त है जब हरिद्वार में चहल पहल परवान पर होती है, जैसे सोमवती अमावस्या, कावड़ मेला, गंगा दशहरा, शिवरात्रि, गुगल मेला, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, जिनमें 20-25 लाख लोग हर दिन स्नान को आते हैं और स्नान करने का तांता सुबह 2:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलता है। मगर सबसे खास होता है महाकुंभ का स्नान। पिछले साल भी 4 महीने तक लगातार कुंभ स्नान चला और कई देशों के 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया। मंदिरों धार्मिक स्थानों से ही हरिद्वार की पहचान नहीं है। हरिद्वार अपनी हाई क्वालिटी की शिक्षा दीक्षा के लिए भी नाम कमा चुका है। अभी और भी कई ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थान यहाँ खुलने जा रहे हैं जो एक न एक दिन हरिद्वार को धर्म नगरी के अलावा शिक्षा नगरी में भी तब्दील कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान IIT यहीं पर है, जहाँ देश विदेश का टैलेंट निखरता है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोएर भी यहाँ है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी बेहद मशहूर है। विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराने वाला चिन्मय कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक शाखा और केंद्रीय विश्वविद्यालय PHEL समेत कई ऐसे कॉलेज हैं जहां हजारों की तादाद में विद्यार्थी बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं। यही नहीं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी यही है। दुनिया का इकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है, वो भी हरिद्वार में ही है, जो पूरी तरह से संस्कृत भाषा ग्रंथ पुस्तकों को समर्पित है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ नैतिकता भी सिखाई जाती है। उत्तराखंड के 3 मैदानी जिलों में हरिद्वार भी है और इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उद्योग को भी खासा तरजीह दी है। आज हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार की सरकारी संस्था सिडकुल, उत्तराखंड राज्य ढांचागत
और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हरिद्वार में की गई है, जहां दुनिया के औद्योगिक घराने खींचे चले आ रहे हैं। साथ ही पब्लिक सेक्टर का उपक्रम भेल की कई इकाइयां यहां स्थापित हैं, जिसके चलते औद्योगिकरण के क्षेत्र में हरिद्वार लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। यूं तो हरिद्वार में ठहरने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनमें होटल आश्रम आदि हैं। लेकिन आप अगर कुछ अलग आरामदायक सेवा चाहते हैं, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का ये आशियाना आपके लिए तैयार है, जहां आप आराम से सुकूनदायक पल बिता सकते हैं। यहां खाने पीने का पूरा इंतजाम तो है ही, साथ ही वो तमाम जानकारियां और सूचनाएं भी आसानी से मिल जाएंगी, जो आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बनाती हैं। सैर सपाटे के लिहाज से भी यहाँ कोई कमी नहीं है। खरीदारी के लिए आपके लिए सब कुछ है, खासकर महिलाओं के लिए। यकीन नहीं आता तो चलिए मेरे साथ करिए कुछ खरीदारी। वहाँ हाथों में मेहंदी रचाने का अलग ही मजा है, मगर हरिद्वार में लगने वाली चाय की पत्ती से बनी राजधानी मेहंदी का जवाब नहीं। धर्म नगरी में आज भले ही आधुनिकता की झांकियां देखने को मिल जाएं, मगर यहाँ की संस्कृति अभी भी जस की तस ही है। हर रोज शाम को जब यहाँ गंगा आरती होती है, तो गंगा के किनारे भक्तों की कतारें देख एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये कहीं देवलोक तो नहीं। और इस आरती के दौरान थके हुए शरीर में वो ऊर्जा आती है, मानो अभी अभी नींद से जागी हूँ। सूरज भी ढल चुका है और थोड़ी देर में चांद भी गंगा के आंचल में डुबकी लगाने यहाँ उतर पड़ेगा, और हम भी आज यहीं आराम फरमाते हैं और करते हैं कल आपको ऋषिकेश की सैर कराने की तैयारी।